सुने देश दुनिया की अहम खबरें। संसद भवन में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी दिल्ली हिंसा पर बोले। उन्होंने सभी सांसदों से देश में शांति और सौहार्द पर विशेष बल देने के साथ ही कहा कि आज भी कुछ ऐसी पार्टी हैं जो दल हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखती हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। विपक्ष दिल्ली हिंसा पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और पीएम मोदी की बैठक है जिसमें दिल्ली हिंसा पर चर्चा संभव है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की घोषणा ने कई लोगों को चिंतित कर दिया है कि क्या ये पूरे देश में भी इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पीएम मोदी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने पर विचार के बारे में ट्वीट किए जाने के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि वो भी पीएम मोदी का अनुसरण करेंगी। CAA, NRC और NPR को लेकर जारी विरोध के बीच 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस बार जनगणना में हाउस लिस्टिंग यानी घर के सदस्यों की संख्या के साथ ही देश भर में मौजूद घरों के ब्यौरे को भी दर्ज किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने देश भर में मंगलवार को चलने वाली 800 से ज्यादा ट्रेनों को आंशिक तौर पर और पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर और स्पेशल ट्रेन हैं। वहीं दिल्ली से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं। न्यूजीलैंड दौरे के दौरान पहले वनडे और अब टेस्ट में सूपड़ा साफ होने के बाद विराट कोहली एंड कंपनी के सामने बोर्ड कठिन सवाल रखेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड दौरे की कड़ाई से समीक्षा होगी। टीम को चुनने वाले चयनकर्ताओं और मुख्य कोच रवि शास्त्री से रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो ये थी इस वक्त की अहम खबरें।